आनंद सतगुरु तेरा ही आसरा डॉक्टर सोलंकी इंसान बरनावा यूपी से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी लालचंद जी इंसान सरसा भजन बोलने के लिए तैयार रहे हैं जी। धन आनंद सतगुरु तेरा ही आसरा बंदे तो नाम दयाले बंदे तो नाम दयाले 84 चक्कर मुकाले यही साथ जाने वाला है कोई और नहीं पर एक नाम बिना पर लोक में कोई और नहीं बंदे तो नाम दयाले भोग के बंदे मानस चोला पाया माया मंदिर में है बैठा उसको ना बुलाया ये बुआ खड़ी खा लो आवाज दे बुला लो प्रभु तेरे अंदर बोलेगा कि और नहीं अरे एक नाम बिना पर लोक में कोई और नहीं बंदे तू नाम दिया दे समानी दिलों में खेल समाए इस पत्थर आग लगाए ऐसे मालिक तेरे अंदर कहीं और नहीं अरे एक नाम बिना पर लोक में कोई थोर नहीं बंदे तू नाम दिया दे पे है तरस कमाकर संत जगत में आए कर जाने के लिए सबको नाम की युक्ति बताए सत्संग तीर्थ नहाए बलजन मोक्ति लाए मुक्ति को देने वाला कर्म और नहीं अरे एक नाम बिना पर लोक में कोई थोर नहीं बंदे तू नाम दिया दे बड़ा प्रभु मिलने का रास्ता है सत्संग कैसा भी कोई होए पापी चढ़ जाए नाम करें सत नाम जी बताए चढ़ नाम जहाज पे जाए सब पार कराने वाला कोई और नहीं अरे एक नाम बिना पर लोक में कोई और नहीं बंदे तू नाम दिया ले 84 चक्कर मुका ले यही साथ जाने वाला है कोई और नहीं अरे एक नाम बिना पर लोक में कोई थोर नहीं बंदे तू नाम दिया ले धन सतगुरु तेरे ही आसरा धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी लालचंद जी इंसान सरसा भजन सुना रहे जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन सतगुरु तेरा ही आसरा एक मान है तेरी कृपा दा मेरा मन निमणे दोड़ी एक मान है तेरी कृपा दा मेरा मन निमणे दोड़ी मैं दर तेरे
दर तू खाली मोरिया तुसी सब कुछ ही कर सकते हो मेरे पापा नू हर सकते हो मैं दीन हूँ दुखे आ रहा हूँ इस दुखिए वलों मोड़ी मैं दर तेरे ते आया हूँ इस दर तू खाली मोड़ी चलाते हो चप्पू ज्ञान दाया फुलंगाते हो मेरी नौका विच मझधार पड़ी इनू विच भंवर दे रोड़ी मैं दर तेरे ते आया इस दर तो खाली मोड़ी मान निमाणिया दुखिया कंगाल पुरानिया आखिर मैं भी जीव तुम्हारा हूँ मेरा जीवन लोड़ी मैं दर तेरे ते आया इस दर तो खाली ज्ञान सुनाते हो काका तो हंस बनाते हो मैनू हंस बना ली सरोवर दा मैनू काग बने छोड़ी एक मान है तेरी कृपा दा मेरा मान निमण दा तोड़ी मैं दर तेरे ते इस दर तो खाली भोड़ी एक मान है तेरी कृपा दा मेरा मान निमाने दा तोड़ी ना धन धन सतगुरु तेरा ही आस धन धन सतगुरु तेरा ही आस जीना हमें सिखा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने जीना हमें सिखा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने जीना हमें सिखा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने हम दुख दर्द भुला दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने हाँ जीना हमें सिखा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने तेरे प्यार ने तेरे प्यार ने भूले हुए थे रास्ता अटक रहे थे राहों में करते थे सदा कर्म बुरे करते थे सदा कर्म बुरे लगा था मन गुनाहों में नेकी में लगा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार में Thank you.
अच्छे कर्म बना दिए, रूहानियत की खुशबू से तन मन हमारे महका दिए, अटूट नशा चढ़ा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने, सतगुरु जी तेरे प्यार ने। पल दिल को रहती है चाहत तेरे दीदार की, लहर सी चलती रहती है दिल जिगर में खुमार की, मस्त बना दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने, सतगुरु जी तेरे प्यार ने। अपनी ही नजरों में हम गिरते जा रहे थे, शास्त्र नाम जी बचा लो हमें आवाज लगा रहे थे, फिर से हमें उठा दिया, फिर से हमें उठा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने, सतगुरु जी तेरे प्यार ने। जीना हमें सिखा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने, हम दुख दर्द भुला दिया सतगुरु जी तेरे प्यार। धन धन सतगुरु तेरा व्यास। मालिकी साजनवा जी, प्यारी सत्संग जीओ, इंसान अपने पीर मुर्शिदे कामिल, अपने सतगुरु की बात माने तो सच्चा गुरु पीर फकीर कभी किसी का आकाज नहीं होने देता। जब जब भी मुरीद अपने पीर और मुर्शिदे कामिल के वचनों पे फूल चढ़ाते हैं, अमल करते हैं, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म करते हैं और उनका भविष्य उज्जवल होता चला जाता है। क्योंकि गुरु अपने लिए वचन नहीं करते कि मेरी सेवा कर, गुरु कहते हैं वो कर्म कर जिससे तेरा जीवन बहार बन जाए, वो कर्म कर जिससे घर परिवार में स्वर्ग जन्नत सचखंड से बढ़ के नजारे आने लगे, वो कर्म कर जिससे सच्चा मोक्ष मिल जाए। और वो कर्म क्या है, 24 घंटे में से आप चलो एक घंटा कम से कम मालिक के लिए लगाओ, आधा सुबह आधा शाम को ब्रह्म मुहूर्त में करो तो कहना ही क्या है, 2 से 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त और शाम का टाइम रोटी से पहले या रोटी के 2-2.5 घंटे बाद या 3 घंटे बाद रोटी के, तो आप आधा घंटा सुबह आधा शाम अगर देंगे तो भी 23 घंटे हैं आपके पास, जिसमें अच्छे कर्म करो, व्यवहार के सच्चे बनो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार किसी का हक मार के खाना, किसी को दुखी करना अपनी बातों से अपने कर्मों से ये छोड़ दो, दीन दुखी की मदद करना, कोई रो रहा है आप अपनी बातों से अपने कर्मों से उसके दुख दर्द में शामिल हो जाओ,
क्या पता उसको क्या दुख है, हो सकता है आप उसे दूर नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते, कम से कम बातें पूछ के बातें करके दुख दर्द साझा होने से दुख दर्द कम हो जाता है। जबकि होता ऐसा है किसी को दुखी देख के लोग और टोंट कसते हैं, उसे और दुखी करने की कोशिश करते हैं, ऐसा करने वाले खुद दुखी हो जाते हैं। इसलिए किसी को तड़पता देख के उसका दुख दूर करने की कोशिश बातों से हो गई, दूसरी होती है कर्मों से। किसी की चोट लगी है हॉस्पिटल पहुंचा दो, किसी को खून की जरूरत है खूनदान कर दो, किसी को भूख लगी है बेहद खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, दे सकते हो तो विद्या दान दो, जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं उनको पढ़ा दो, किसी की बेटी की शादी नहीं हो पा रही पैसे की वजह से उसकी मदद कर दो, उसका बोझ हल्का होगा, टेंशन फ्री होगा, उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। अपने आप नहीं सोचती तो अपने 72 मानवता भलाई के कार्य हैं, उन पे चलो, सीख जाओगे भले कर्म करना। हालांकि भला कर्म करने में दिल गुर्दा चाहिए, कोई भी नई शुरुआत करनी हो, पहल करनी हो, समाज दुनियादारी क्या कहेगी कुछ पता नहीं, लेकिन बेपरवाह जी सच्चे दाता ने एक भजन बनाया है, भला करने वाले भलाई किए जा, कि ये भले काम पे चलने वाले भले काम ना छोड़ देना, लाखों गुनाहगार मिले, लाखों रास्ता रोकने वाले मिले, लाखों टोंट कसने वाले मिले, सुनो ना, आप अपने रास्ते पे दृढ़ता से बढ़ते जाओ, मंजिल जरूर मिलेगी। तो इस तरह आप अपने कर्मों से लोगों का दुख दर्द दूर कर सकते हैं। चलो आप अपनी बातों से, अपने कर्मों से किसी का भला नहीं करना चाहते। दूसरे शब्दों में आप कहते कि हमारे पास टाइम नहीं है, मान लेते, मानने वाली बात नहीं है, चलो मान लेते। फिर आप अपनी बातों से, अपने कर्मों से किसी को दुखी कभी ना करो। सुख पहुंचाने के लिए टाइम नहीं तो दुख पहुंचाने के लिए टाइम कहां से आ जाता है। तो ये कहते हैं पीरो मुर्शिदे कामिल, इसमें क्या नाजायज है, आप सुमरण करेंगे आपको फल मिलना है, आप ऐसे कर्म करेंगे आपको परिवारों को कुलों को फल मिलना है। परमार्थ करो, परहित, बुजुर्ग मां बाप उनकी सेवा करो, बुजुर्ग अपने बच्चों के गाइड बनो अगर वो चाहे तो, वरना राम नाम का जाप करो। अपने शरीर को छोड़ के दूसरों के लिए भला करना ये परहित है। जैसे आपको बोला मां बाप से शुरुआत कीजिए, सत्कार कीजिए, इज्जत कीजिए, कम से कम उनको बुरा ना बोलो, जन्मदाता हैं। और एक बात आपको सच्ची बताते हैं, जो जीवन में सीखता है आदमी, एक तो सीखता है गॉड गिफ्टेड भगवान की कृपा से, दूसरा सीखता है उम्र के अनुभव से। चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उम्र के साथ साथ आदमी सीखता है। और आपको ये सच बताते हैं, मां बाप के लिए बच्चा कभी जवान
होता ही नहीं, उसके लिए वो छोटा ही रहता है। कितना ही बड़ा बन जाए, हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं बेपरवाह जी ने रहमत की वचन किए कि दोनों जहां का खजाना आपकी झोली में डालते हैं, आपने सुना, और जगह जगह सत्संग हम करते हैं। पर हमारे जन्मदाता बापूजी, उनको ये रहता कि नहीं ये कहीं दूर ना जाए। उन्होंने सुन लिया कि आदिवासी एरिया में गए हैं, सत्संग कर रहे हैं, रात को वहां रुकते हैं, वो आदमियों को मार देते हैं। वाकई ये सच था, उस एरिया में जहर बुझे तीर रखते हैं, लूट लेते हैं। बस सदगुरु ने चाहे कुछ भी बख्श दिया हो, उनके तो हम बच्चे ही। उसी रूप में लिया और खून के लूज मोशन लग गए। डॉक्टरों को बुलाया गया, कहते नहीं ये बता दो वो वहां से सत्संग करके कब आएंगे, तब तक मेरे को जो मर्जी दवाई दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मेरा दिल ऐसा वैसा। तो हमारा कहने का मतलब, उदाहरण देने का, कि कुछ भी बच्चा बन जाए मां बाप के लिए छोटा ही रहता है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या दें। पर आप सोचते हैं मैं ज्यादा जानकार हूं, मां बाप का दिल दुखाते रहते हो, तू क्या समझता है मुझे सब आता है, ये है वो है फलां है। हालांकि मां बाप भी हद से ज्यादा जब दखलंदाजी करते हैं, उनकी बेहद गलती है। उम्र का तकाजा 50 साल के हो गए, बस रिटायरमेंट ले लो, राम नाम जपा करो, देखो नजारे जिंदगी में बहारें छा जाएंगी, इतनी खुशियां मिलेंगी जो 50 साल पहले आपको कभी नहीं मिली। और आप सोचोगे यार सारी जवानी अधेड़ अवस्था भी मालिक के लेखे क्यों नहीं लगाई। दोनों तरफ कमी होती है, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, एक हाथ ऐसे ऐसे करते रहो कुछ नहीं होता, चुटकी बजती है, ताली नहीं बजती। तो इसलिए जरूरी है दोनों पीढ़ियों का समझना। बात वहीं लेके आते परमार्थ, पर हित के लिए टाइम जरूर निकाला करो। बेपरवाह जी ने यह कहा कि गृहस्थी सेवादार भाई जो सेवा करते हैं धन्य है, परिवार भी पालते हैं, सेवा भी करते हैं, मालिक बेहद खुशियां देते, आंखों के तारे दिल के टुकड़े होते हैं, मालिक को अति प्यारे होते हैं। और ऐसे सेवादार सेवा करके ओर निभाते हैं तो मालिक उनकी भी पता नहीं कितनी कुलों का उद्धार कर देते हैं। फिर भी प्रवा जी ने आगे लिखा, भजन में आया, सच्चे सौदे दी फकीरी दा मुकाम बड़ा उच्चा, इत्थे मिट्टी होके रहना पैंदा शानदार की कम। बहुत बड़े वचन है कि जो ब्रह्मचारी सद्ब्रह्मचारी बन गया, दुनिया त्याग दी। विषम पितामा हम कई बार बता चुके हैं, बड़े मशहूर हुए। असल में हुआ क्या था, उनके जो पिता थे वो गंगा की औलाद थे, विषम पितामा, उनके जो पिता थे, क्योंकि गंगा तो उनको छोड़ के चली गई थी, वचन नहीं माने उन्होंने, तो एक मलाह की लड़की पे आशिक हो गए बेहद ज्यादा। और उस लड़की ने ये शर्त रख दी, उसकी मां ने बाप ने शर्त रख दी, हे राजन शादी तो हम कर देंगे आपसे, इस लड़की की और क्या चाहिए मां बाप को कि एक मलाह की लड़की को राजा मिले। लेकिन एक शर्त है, क्योंकि उनको पता लग गया हर कोई मतलब परस्त होता है, जब मजबूरी आ जाए ना हर कोई उसका लाभ उठाना चाहता है कि भाई नोट मिल रहे हैं, फलानी चीज मिल रही है, अब मौका है उठा लो फायदा, अब नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे। मतलब प्रस्त, मौका प्रस्त कहते हैं ऐसे लोगों को, जैसे गिद्ध होती है, गिद्ध होती है जब मुर्दा मरता है पशु तो वो मंडराती, आजकल तो खत्म ही हो गई, पहले मंडराती थी तो कहते थे कोई मुर्दार पशु मरा है, वो मौके की ताक में रहती थी। तो ऐसे वो लोग थे, कहने लगे राजन बेटी की शादी करेंगे, शायद सत्यावती था नाम उसका, कि हम सत्यावती की आपसे शादी कर देंगे, लेकिन
आपको वचन देना होगा कि इसका बेटा राजगद्दी पे बैठेगा। कहते जी दिया, मैं दे दूंगा, इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर कहने लगे, ना मेरा भीष्म पितामह इतना योद्धा, इतना शूरवीर है, मैं ये नहीं कर सकता। पर वो बीमार हो गया राजा, भीष्म पितामह का पिता शांतनु था या कुछ ऐसा नाम ख्याल में नहीं आ रहा, तो बुरी तरह बीमार हो गया। और भीष्म पितामह ने पता कर लिया, वो खुद ही चला गया उस सत्यपति के घर। सत्यपति उसकी हम उम्र, कहने लगा आप मेरी माता हैं। वो हैरान हो गई, परिवार को बुला लिया, कहने लगे क्या बात है, आखिर क्यों नहीं करते आप शादी। कहते राजा हमें ये वचन दे दे। कहने लगे मैं देता हूं उसकी तरफ से, मैं राजा गद्दी पे नहीं बैठूंगा। कहते ना ना, तू तो नहीं बैठेगा, तू इतना शूरवीर, इतना योद्धा, तेरे बच्चे पैदा होंगे वो बैठ जाएंगे राजगद्दी पे। तो कहते उसने संकल्प लिया अपने बाप के लिए, पानी की अंजलि भर के जैसे अपनी जान पिलाते, आपको पुरातन हिंदू प्रथा है ये, तो ये वचन लिया कि मैं ता उम्र ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करवाऊंगा, और जो इस गद्दी पे बैठेगा मेरे पिता वाली पे, सारी उम्र उसकी सेवा करूंगा, उसको पिता के रूप में देखूंगा। तो उसको कहा गया भीष्म पितामह, कि उसने भीष्म यानी बेहद जबरदस्त प्रतिज्ञा की। किसके लिए? अपने बाप के लिए, बाप की गद्दी के लिए। और बेपरवाह जी ने जो वचन फरमाए, ब्रह्मचारी सतब्रह्मचारी बनते, ये किसके लिए बनते हैं? क्या मां के लिए, क्या बाप के लिए, बहन भाई के लिए? नहीं, ये बनते हैं पूरे समाज के लिए, अपने सतगुरु मौला के लिए, कि हमने अपनी सारी जिंदगी समाज, क्योंकि गुरु क्या करता है, समाज का भला, तो जैसा गुरु करे वैसे शिष्य, सारे समाज के लिए ये लोग प्रतिज्ञा लेते हैं। प्रतिज्ञा लेके उसी टाइम प्रण करते हैं, सारा कुछ छोड़ देते हैं, जो सतब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, कि हम पूरे समाज के लिए, मालिक की औलाद के लिए सारी जिंदगी लेके लगा देंगे। अब खुद बताइए, भीष्म प्रतिज्ञा उसकी थी या इनकी है? तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम तुलना नहीं करेंगे किसी की किसी से, लेकिन हम तो इन बच्चों की बात करते हैं कि बेपरवाह ने इसलिए कहा, सच्चे सौदे दी फकीरी का मुकाम बड़ा ऊंचा, दोनों जहान में ऐसी जिंदगी हो ही नहीं सकती, वचनों पे अमल करे बस। वो तो गृहस्थी के लिए भी जरूरी और त्यागी के लिए भी, अमल करना तो अति जरूरी है, अमला बिना तब बेड़े पार हो ही नहीं सकते। इसलिए भाई सतगुरु ने ऐसी मौजें बख्श रखी हैं, बस मन से तो लड़ना ही है। सुमरन करो घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम, त्यागी हैं तो चलो कम से कम आधा घंटा, आपको काम धंधा ज्यादा है, लेकिन जो त्यागी जो है उनको तो काम धंधा सेवा का रहता है, तो वो घंटा या आधा घंटा सुबह शाम 100% करें, उसमें कोई चूचरा नहीं होनी चाहिए। दुख आए, सुख आए, खुशी आए, गम आए, लगे रहो। जब राम नाम के लिए जिंदगी लगाई है तो लगो, एक बार करके तो देखो घंटा सुबह शाम। और जब भी सेवा करते हो, परमार्थ ही परमार्थ है आपका, सुमण ही सुमण, उसमें सुमण करते रहो साथ। और जो त्यागी हैं वो भी कम, त्यागी के बिना जो गृहस्थी हैं वो भी कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, किसी भी काम धंधे के जाने से पहले सुमरण कम से कम इतना जरूर करें। ये तो कलयुग में अपनाना होगा। किसी ने पर्ची दी कल या परसों, हम कागज देख रहे थे, उसमें वो पर्ची मिली, गुरु जी क्या आपके त्यागी लोग सुमरण करते हैं? आप सभी को कहते हो, हम तो इनको भी कहते हैं, आप पूछ सकते हैं। कई बार इन बच्चों को बोला है कि जब सत्संग यहां होती है तो कम से कम आधा घंटा सुबह शाम जाप किया करो, अगर सत्संग बाहर होती है तो आप घंटा सुबह घंटा शाम किया करो। करते हैं कि नहीं करते? अब ये तो मालिक जाने भाई, हमारी तरफ से तो हमें लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, कुछ नहीं भी करते होंगे, क्योंकि गारंटी नहीं ले सकते। आप देख सकते हैं इन बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि हम सुमरण करते ही करते हैं, और इधर कुछ लड़कियों ने भी हाथ खड़े किए हैं, जी हाथ नीचे कर लीजिए, कोई बात नहीं बेटा, हमने कोई हाथ नहीं खड़े करवाए।
आपकी मर्जी है, हमारा फर्ज बताना। मस्ताना जी महाराज ने भी यही वचन किए थे, परम पिताजी ने वचन किए, और हमसे, हमारे तो कोई वचन ही नहीं है, उन्हीं के वचन हमसे भी करवाए। तो जो इसको फॉलो करेगा और सेवा करो डट के, ठीक है। आप हट जाते हैं सेवा करने से, मन खराब हो गया, क्यों? ठीक है, मन खराब हो गया, आपकी आपस में नहीं बनती, कोई बात नहीं, सेवा मत छोड़ो। वो तो आपके तन के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके कुलों के लिए, इस जहान के लिए, अगले जहान के लिए। तो त्यागी और गृहस्थी सबको सुमरण और सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, किसी गुस्से में, किसी अहंकार में, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में, कुछ ही चीज आपको तंग करे, ना तो सुमरण छोड़ो और ना सेवा छोड़ो। ये तो आपके आत्मा के लिए, जिस्म के लिए ऐसी जबरदस्त खुराक है जो आपके चेहरे पे नूर लाती रहेगी और अंदर सरूर लाती रहेगी, 100% जरूर लाती रहेगी। इसलिए अमल किया करो भाई, फकीर का काम तो बताना है, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, कोई बुरा ना मानना, हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि आप ये चीज ना छोड़ो, ये जरूर किया करो। चाहे आप कोई सेवा करते हैं, सुमरण ना छोड़ो, आधा घंटा सुबह शाम। बताओ कौन सा कारोबार है आपका जो आधे घंटे में छूट जाएगा? क्यों नहीं करते आप? क्योंकि सख्त अल्फाज कहते हैं फिर आपको बुरा लगता है। तो प्यारे सत्संग जियो, आप इस पे अमल कीजिए, आपका ही भला है, तन का भला, मन का भला, क्योंकि मन का बुरा होगा तो ही आपका भला है ना। तो तन का भला, मन का बुरा, आत्मा का भला, परिवार का भला, कुलों का भला, राम नाम जपने से, सेवा करने से होता रहता है। इसलिए सुमरन के पक्के बनो। हमें फक्र हो कि हमारी ये औलाद, वैसे तो फकीर की जितनी भी त्रिलोकियां उसमें रहने वाले सारे औलाद ही होते हैं, क्योंकि जो ओंकार की औलाद वो संत पीर फकीर की भी औलाद होती है, और जो मुरीद हो जाते हैं वो फिर बेहद करीब हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे यही गुजारिश है कि आप हमें भी फक्र हो कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे झिझके ना, हाथ यहां ना हो, यूं हो, क्योंकि यहां होता है तो कि मैं कभी करता हूं कभी नहीं करता, यहां है तो कभी कभी भूल जाता हूं, और ये है कि मैं हमेशा ही करता हूं, मजा आ जाए आपको, हमें तो खुशी आएगी आएगी, आपको वो परमानंद मिल जाए जिसकी हम हमेशा सत्संग में चर्चा करते हैं, और आपको भी लगे कि हमारे गुरु, हमारे पापा, हमारे पिता, जो भी आप हमें कहते हैं कि वो सच कहते हैं, यार मजा आ गया, मैंने अमल करके देखा, कोई कमी नहीं रही। क्या जोर लगता है आपका, हमें ये समझ नहीं आती कि आधा घंटा सुबह शाम क्यों नहीं जाप कर सकते आप? ऐसे कौन से कारोबार हैं, ऐसा कौन सा धंधा है जिसमें आप उलझे रहते हैं और आधा घंटा सुबह शाम सुमरण नहीं कर सकते? कोई ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं आप। यहां ऐसे भी हैं सुमरण के शौकीन जो दो दो तीन तीन घंटे भी बैठे रहते हैं, वो भी, उन पे भी हमें बड़ी खुशी आती है और मालिक खुशियां बख्शेगा। सो भाई, हमारा तो निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, अर्ज है, हुक्म नहीं है, हाथ जोड़ के कि ऐसा कर लिया करो, पौ बारह पच्ची, ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से बात करने वाले हैं, बात करो बेटा जल्दी से, शॉर्ट में। आपकी बेटी आशिमा बोल रही हूँ जी। कैसे हो पिताजी आप? बेबुरा जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। आप जी की रहमत है पिताजी। पिताजी आपको माँ पर उपकार दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले आशीर्वाद बेटा। पिताजी लास्ट टाइम मैंने जब आपसे बात की थी तो मुझे पिताजी आप जी ने वचन किए थे कि हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना जॉब के लिए, तो सब मुझे जवाब नहीं मिल रही थी, तो पिछले सब मुझे वचन समझ में नहीं आए थे, और क्योंकि उसके बाद मैंने दो तीन बार वो रिकॉर्डिंग सुनी बट मुझको फिर भी पता नहीं चला। पिछले मम्मी ने मुझे बताया कि आप जी ने क्या वचन किए, फिर उसके जस्ट बाद मैंने जॉब अप्लाई की और मुझे जॉब मिल भी गई पिताजी, उसी टाइम बहुत जल्दी जॉब मिल गई उसके बाद, और पिताजी अभी भी मैं बहुत अच्छी जो जॉब है उनके लिए अप्लाई कर रही हूँ, और पिताजी मेरी इंटरव्यू थी फ्राइडे को, आज उसके लिए मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी नेक्स्ट वीक उन्होंने मेडिकल के बुलाया के लिए बुलाया, पिताजी आप जी की मेहर से हुआ है, और पिताजी इस हफ्ते मेरी दो इंटरव्यू और है, क्योंकि जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही वहीं से जॉब हो पिताजी।
जी बेटा आशीर्वाद सुमण करते रहना बेटा, बचनों पे रहना, मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। जी पिताजी दाना शुक्र करिए। और पिताजी मम्मी ने बताया कल रात को जो रूबरू नाइट थी उसमें कवाली थी अश के, पिताजी वो बहुत अच्छी थी मम्मी ने बताया। जी बेटा पिताजी सीडी में नेक्स्ट सीडी में प्लीज वो कवाली आ जाए। जी बेटा, जी बेटा जरूर नोट कर लेंगे। आप जो जिम्मेवार हैं भाई, काफी कल भी कह रहे थे लोग, और जरूर बेटा जरूर। जी पिताजी थैंक यू। पिताजी मेरे अगले महीने एग्जाम है और मेरे को कुछ भी नहीं आता, प्लीज मेरे करना मेरे एग्जाम क्लियर हो जाए। ऐसा बिल्कुल ना सोचो और सुमन करो बेटा, पॉजिटिव रखो अपने विचारों को। नहीं आता तो सुमन करो, आ जाएगा। आप हिम्मत करेंगे सुमन करके पढ़ा करो, पानी पी के नारा लगा के पढ़ा करो। आशीर्वाद। जी पिताजी, पिताजी मैंने खीर बनाई है, प्रसाद बना दो पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गए, सब लोग लेना बेटा। सेवा सुमन मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। आशीर्वाद बेटा। पिताजी भलाई पद में 5,000 रुपए माफी किया और परिवार मजलिस में आया है। परिवार खड़ा हो जाओ बेटा, सेवा सुने मन लगे, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए, प्रसाद ले लेना बेटा। सो नारा लगा के बैठ जाए। आशीर्वाद। जी पिताजी ब्रदर नोएडा से ऑनलाइन है पिताजी। जी उनको भी आशीर्वाद। देश विदेश में सत्संग अपना काम धंधा करते हुए 493 टेलीफोन कनेक्शनों के द्वारा और 1472 लाइव वीडियो कनेक्शनों के द्वारा हजारों की तादाद में लाइव देख रहे, सुन रहे, हमें नजर आ रहे हैं, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और प्यारे सत्संग जीओ, सत्संगत सेवादार, ये सभी धर्मों में लिखा है कि सत्संगत भगवान का रूप होती है। और सत्संगत ने शायद अक्टूबर की बात है कि ये बोला कि पिताजी आप मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट किया करो, और सात संगत इतना चाह रही है, इतनी खुश है उससे। एक संत एक पीर फकीर धरती पर क्यों आता है, उसका एक ही मकसद होता है जो हमें हमारे गुरु मुर्शिद ने दाता ने बताया, सारी संगत खुश रहे, सारी मालिक की रियाया खुश रहे, सारी प्रजा खुश रहे। बहुत कर्म किए, सत्संगे करते हैं उससे खुश है, जन्म जन्म के कर्म कट जाते हैं। फिर बेपरवाह जी ने रूहानी जाम शुरू करवा दिया, उससे रोग कटने लगे, हाथों हाथ बिगड़े, काम बनने लगे, उससे सात संगत खुश हुई। फिर सेवादारों ने कहा पिताजी आप मस्तों मस्त रूहानी रूबरू नाइट रखा करो, उससे तो कहने क्या है, सात संगत इतनी ज्यादा खुश है। अब हम इतना टाइम दे रहे हैं लेकिन लेने वाले इतने ज्यादा हैं मस्तों मस्त रूहानी रूबरू नाइट। अभी 3 स्टेट के 25 मेंबर तैयार बैठे हैं, पंजाबी जी कहते दंड कटी जाते कि भाई हमने लेना हमने लेना हमने लेना। अभी पर्ची भी आई थी कि पिताजी भूल मत जाना, हम 3 स्टेटों के जो 25 मेंबर मिलना चाहते हैं। और सत्संगत इस बारे में बड़ा जोर शोर से, कोई कह रहा फलां जगह रखो, विदेशियों ने भी बुक करवा लिया। देखो ऑस्ट्रेलिया ने 27 जनवरी का मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट अपने लिए बुक करवा लिया है। विदेशों में भी ये बहुत बड़ी पहल है कि वो यहाँ आके अपना मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट अटेंड करेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये माना कि पिताजी एक बार हमें यहीं दे दीजिए और फिर वहां आइए, तो जैसे चाहेंगे। वहां के मूल नागरिक ने भी कल कह रहे थे, बड़े खुश थे और आशीर्वाद उनको। तो कहने का मतलब फकीर की जिंदगी का मकसद अपनी औलाद, वैसे तो सारी सृष्टि उनकी औलाद, जो मालिक की औलाद फकीर की औलाद, लेकिन इन बच्चों के चेहरों पर जब हम रौनक देखते हैं, जो ये चाहते हैं वो हमसे धक्के से करवा लेते हैं। हम आपको 100% कहते हैं कि हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि ऐसे गाएंगे, मतलब ही नहीं है। आपने कहा जी गाना ही पड़ेगा, मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट सेवादारों के लिए दियो। हम कोई संगत का टाइम अलग से नहीं काटते, सत्संग भी करते हैं, नाम भी देते हैं, रूहानी जाम भी पिलाते हैं, वो अलग बात है, मालिक की जाने ये शरीर जाने उसकी मर्जी। और उसके फौरन बाद शाम को मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट, उसमें 6 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 9 घंटे, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि शायद 9-10 घंटे भी लगे हैं। वो बेपरवाह जी जाने कैसे काम लेते हैं हमें कुछ पता नहीं है। और अब तो ये सारे बच्चे हमें कहने लग गए कि पिताजी आप ठुमके भी लगाते हो, हम कि 100% हमारा, हम सोच के जाते हैं, आपको सच बताते हैं स्टेज से,
कि हमने ऐसा कुछ नहीं करना, कि ये काम तो करना ही नहीं है, ठीक है गाना अलग बात है, लेकिन आपका प्यार ही ऐसा है कि इतनी मस्ती आपकी होती है, वो इतनी भावनाएं मांग डिमांड आ जाती है कि इस बॉडी का पता ही नहीं चलता, हम तो कठपुतली। राजस्थान में हमने एक भजन बोला था, कठपुतली कठपुतली में कठपुतली कि मालिक की कठपुतली, ओ सतगुरु मौला की हम तो एक ही कठपुतली है, शासत नाम शाम स्थान वही खसम है हमारा, तो हमें तो पता ही नहीं चलता आप सत्संगत उसका रूप है। तो आपकी इतनी भावना इतने ज्यादा, बाद में कल भी आप बच्चे तो कहते ही कहते हैं, जो पहले बच्चे रहे जब हम गुरुगद्दी पे नहीं आए, वो बेटियां बेटा भी कहने लगे, नहीं पिताजी पापा जी आप ठुमके तो अब लगाते हो, कमाल है यार ठुमके लगाते हैं, हमारा तो कोई इच्छा नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता। तो ये बच्चे जो स्टेज से मारते ये भी कहेंगे, नहीं जी आप चुपके से लगा जाते हो, कमाल, हमें खुद नहीं पता होता, हम 100% आपको स्टेज से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, पहले सोच के आते कि नहीं करना ही नहीं। रात को कहने लगे बेटियां खास करके, कहते नहीं आप तो आज तो ज्यादा ही लगा रहे थे कुछ, मैंने कहा नहीं लगाए हमने, हमें कुछ पता नहीं है। तो ये हकीकत है, बाद में पता चलता है कि थोड़ा बॉडी पे, क्योंकि इतनी संगत को वचन होते हैं, उनको जो कुछ बख्शा जाता है और मालिक जानता है या फिर शरीर जानता है, वो राम जाने उसकी मर्जी, उसने करवाते रहना है। हम 100% हमेशा हमारा बस चले तो हम रोज तैयार हैं, लेकिन क्या किया जाए, इतना टाइम नहीं मिल पाता, इतना काम होता है, ये डिजाइनिंग वो डिजाइनिंग फलां करना ये वो, पता नहीं कितनी कितनी चीजें होती हैं उसमें। तो प्यारी सत्संग जी, वो बात पे बात आ गई कि एक फकीर की जिंदगी का मकसद, और हमें सतगुरु मौला ने जो कहा था कि दिन दुगनी रात चौगनी खुशियां बढ़ती जाएंगी, क्या आप सतगुरु के वचनों को अब हकीकत में बदलते नहीं देख रहे? देख रहे हैं 100%, और आगे भी देखेंगे, जो साईं मस्ताना जी महाराज परम पिता जी ने वचन किए वो पूरे होके रहने हैं 100%। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो अब विवाह शादी वाले परिवार आए हैं, बैठे रहिएगा। ये दिन के मध्य बैंक में 7770 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद मरणोपरांत नेत्रदान का 5, शरीर दान का 5, मेंबर 15, दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम कुलविंदर इन सपुत्र साधु सिंह इंसान जी के निवासी शेख सरपाल जिला श्री गंगानगर राजस्थान, और लड़की का नाम राजविंदर इन सपुत्र सुखदेव सिंह इंसान जी के निवासी तनूर जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और ये बच्चा सेवादार है, समाज सेवा करते हैं आप, मालिक आपको खुशी बख्शे बेटा, आशीर्वाद रहमो करम से नवाजे, आशीर्वाद बेटा। अगले परिवार दिन के मध्य बैंक में 7770 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद मरणोपरांत नेत्रदान 8 और शरीरदान 1 मेंबर पद करने, दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम गुरविंदर इंसान पुत्र सुखदेव सिंह इंसान जी का निवासी धनूर जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़की का नाम कमलजीत इंसान पुत्र शेर सिंह इंसान जी की निवासी मिर्जेवाला जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और शादी वाले तीसरे परिवार परिसर संघ जी, अभी बात चल में है कि अभी इस शादी वाले ये बच्चा आया है और इसने लॉकेट को बड़े फकर से सजा रखा है अपने, पूरा आगे निकाल के बटनों में ऐसे ऊपर, तो बड़ी खुशी होती है कि ये इंसान का एक जज्बा खुल के सामने आता है कि हम इंसान हैं। इंसान मतलब धर्म में पैदा हुए वो तो है ही, बाकी सब धर्मों को भी मानते हैं, बहुत बड़ी बात है आशीर्वाद। तो शादी वाले अगले परिवार दीन दुखी मध्य बैंक में 11,111 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद वाह जी। जीते जी गुर्दा दान का पर्ण करने वाले 11 मेंबर हैं जी, वाह बहुत बड़ी बात है आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 11 और शरीर दान का 11 मेंबर पर्ण कर रहे हैं। ये भी तीनों दान ही महादानों का महादान है,
बहुत बड़ी बात, आपको कहा था ये नौजवान परिवार अलग अलग कुछ करते रहते, कंपटीशन सा रहता है कि मैं शादी के दिन ये करूं वो करूं, बेमिसाल है। शायद ही बर्ड में कहीं भी क्या, त्रिलोकियों में भी शायद ही कहीं ऐसा होता हो। और लड़का लड़की सहित परिवार के 5 मेंबरों ने आज ही खूनदान किया है। वाह भाई वाह, आशीर्वाद खूनदान भी महादान। लड़के का नाम है हरविंदर इंसा पुत्र रेशम सिंह इंसा जी का, निवासी कालचरानी जिला बठिंडा पंजाब। लड़की का नाम सुखदीप इंसा पुत्री नक्षत्र सिंह इंसा जी की, निवासी नसीबपुरा जिला बठिंडा पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालेंगे। जी तो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और ये दोनों बच्चे शास्त्रनाम जी की नेशनल फोर्स विंग के मेंबर हैं, उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा मालिक और खुशी बख्शे भाई। तो आपने देखा शादी वाले जितने भी परिवार आए, विवाह शादी के दिन तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सब परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। तो शास्त्रनाम जी की निष्पल फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाले 14 बहन भाई खड़े हो जाएं, भंगीदास का प्रसाद लेने वाले 3 भाई खड़े हो जाएं, इंसानियत की सेवा महाभियान के फार्म भरने वाले 280 भाई बहन खड़े हो जाएं। तो धन्य माँ बाप जिनकी कुल में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो सेवा करते हैं, और जोर शोर से आप सेवा करते हुए उड़ने बात है तो आपके कुलों का उद्धार होता, धन्य कुल हो जाती है। सो जोर शोर से सेवा करना बेटा, प्रसाद ले लेना, जोर से नारा लगा के बैठ जाए आशीर्वाद। डब वाली कंटीन के सेवादार जो सत्संग के दौरान वहां सेवा करते हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं जी, शाबाश बेटा। जो भी आप सेवा करते हैं, सेवा सिमर सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक वहीं बख्श देता है। पर बचनों पे पक्की रहना, कोई कमी नहीं आती, प्रसाद ले जाना, परिवारों को भी देना, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद। बैठ जाए बेटा। घर जाने वाले सेवादार 7 से 55 दिन वाले खड़े हो जाइए। ब्लॉक होडल पलवल से 53, इस्माइलाबाद से 34, मोगा से 50 सेवादार, 4 से 7 दिन की सेवा। फौजी सदवीर सिंह जी त्रिपुरा से। तो बेटा सेवा सुनने मान लगे, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े, सारे परिवार को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा है, प्रसाद ले जाना और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद। बीमार बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना, कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग चिकोते करने वाला मालिक मानना आपने है। और कैंसर या लाइलाज बीमारी है तो दिन रात सेवन करना है, और बाहर से फायदा नहीं तो यहां आर्थिक तौर पर जो कमजोर है उनका इलाज स्वास्थ्य समिति की तरफ से फ्री है। MHG एडम में मिलने जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं जी। खाने पीने की अनजाने में गलती हुई है, वो बैठे बैठे नारा लगा तो मालिक माफ करेंगे। 3 बचनों में पहली बार जिनसे गलती हुई है वो जल्दी से खड़े हो जाओ, टाइम नहीं लगाना, खड़े हो जाइए, बस इधर उधर मत देखो, शर्म ना करो, मालिक से आपको माफी दिलवाएंगे। और बचनों में आगे गलती ना करना, क्योंकि गलती करते हो खुशियां सारी चली जाती हैं। मान लो जोड़ी फटी हो और आपको कोई हीरे मोती जोड़ी में डालता रहे, क्या रुकेगा, सारी तो फटी हुई है, तो आज सिल जाएगी। सुमण करना, कभी भी गलती ना करना, सारी बरकतें रहमतें फिर जोड़ी में रह जाती हैं। सो आपको आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ बेटा जल्दी से, सो मालिक माफ करेंगे, बिल्कुल माफ है। और आगे से ख्याल रखिए, सेवा पर नहीं आए दरबार से कुछ उठाकर खाया, नारा लगाया, पूरा नहीं किया, लॉकेट घुमा, गरीबनेस की वर्दी घुमो, इस रूप घुमुआ, नाम शब्द में द्वारा बैठे, नाम शब्द ऊंची आवाज में बोला, दरबदर हुए, खुशी बताई, समलैंगिकता की प्रसाद खराब हुआ, बच्चन ने माने, आप शब्द बोले, अश्लीलता देखी, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, बीमारी मांगी, दांत टूटी, खजाने वाला सिक्का गुम हुआ, खड़े होके नारा लगा के बैठ जाओ। और आइंदा कोई भी गलती कभी भी दोहराए ना, नारा लगा के बैठ जाओ बेटा, बस बैठते जाइए, माफे आगे से ख्याल रखिए। दूसरी बार माफी लेनी 2 महीने सुमण के, श्री राम इंसान खड़े हो जाएं, लगातार सुमण करते रहें, सुमण चलता रहे और नारा लगा के बैठ जाए, सुमण करें, मालिक करने वाले हैं रहमत। जिसने नाम लिखा है सिर्फ श्री राम उसी ने, जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है,
मैंने कसर होंगी, चुपचाप अपनी जगह पे खड़े रहना है, आराम से खड़े हो जाइए। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई चिन्ह चुड़ैल, अपनी जगह पे चुपचाप खड़े रहना है। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, या बीमारी वाला प्रसाद ले लो, हॉस्पिटल से दवाई ले लो, गरीबों को फ्री है, और सुम करके वो दवाई लेना, सुन नारा लगा के बैठ जाओ, सारे भरम भूत भूत सारे भाग गए आपके, कोई भी भूत आपके अंदर नहीं है, नारा लगा के बैठ जाओ। खड़े रह गए तो भूत रह सकता है, जल्दी बैठो। हाँ ऐसे चलांगे मार मार बैठते हैं भूत, निकल गए ना आदमी जी, तो भूत चले गए हैं, कोई भूत बात नहीं है आपके अंदर। और सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना मंत्र दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। और विजय पिताजी पावन गुरुगति निश्री माँ पर महापरोपकार दिवस 23 सितंबर की खुशी में बिना इंसा स्टेशन सपर्थ ऑस्ट्रेलिया से 11,000 रुपये, जसपाल इंसा सऊदी अरब 13,100 रुपये, इसके अलावा 135 भाई दीन दुखी के मध्य बैंक में पैसे जमा करवाते हैं जी। खड़े हो जाएं, सेवा सुनने मन लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े बेटा, मालिक रहमो करम से नवाजे, सो नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद से। शास्त्राम जी स्टेडियम क्रिकेट एकेडमी की टीम ने दूसरी बार बाबा फरीद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में पहला स्थान प्राप्त किया है जी। सदरमचारी सेवादार लखविंदर इंसा को मैन ऑफ द मैच व अभिमन्यु इंसा को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है जी, आशीर्वाद चाहते हैं जी। बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, आप और आगे बढ़ो बेटा, अच्छे सेहत फिटनेस रखो और पूरी हिम्मत से पूरा कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, मालिक खुशी बख्शे, प्रसाद ले लेना और मालिक रहमो करम से नवाजे, नारा लगा के बैठ जाओ बेटा, शाबाश आशीर्वाद जी बेटा, आशीर्वाद। परिवार आए हैं जिनके परिवार में किसी की मौत हुई, खड़े हो जाए परिवार। एक ने नाम नहीं लिया था, जिसने नाम नहीं लिया, परिवार वाले घंटा सुबह शाम सुमरण करें, 2-3 महीने लगातार सारे इकट्ठे बैठ के, तो कुछ ना कुछ रहमत होती है। बठोई कलां पटियाला से, गुरथली बठिंडा से, नौताना महेंद्रगढ़ हरियाणा से, पालम कॉलोनी दिल्ली से और मानसा पंजाब से, और 2 का शरीर दान हुआ, 1 की आंखें दान, ये सभी दान महादान आशीर्वाद। 2 परिवार फजूल खर्ची की बजाय उनकी याद में दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। 2 परिवार दोनों तरफ परिवार आए हैं जी, खड़े हो जाइए, और नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। तो जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम में जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आए हो, या तो खुद का खेत गहरा गड्ढा खोद के बांध दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जंतु निजधाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना, जो जख्म देता है मरहम जरूर देता है जी। सो मालिक आपको ताकत बख्शे, थोड़ा समय के बाद प्रसाद ले लें और बैठ जाए जी। सत्संग में अगर कोई नशा छोड़ने आया है, चरस हेरोइन समेत भांग धतूरा अफीम शराब मेडिकल नशे, रहना फ्री खाना फ्री, प्रसाद ले लीजिए, साधन यहां रुकना है, सेवा सिमरण से नशे छूट जाते हैं, जरूरत पड़े तो यहां हॉस्पिटल से जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ख्याल रखिए, जब नशा छोड़ के जाना है, यार दोस्त जो नशेड़ी है उनका संग सोहबत नहीं करना, ये पूरा पूरा ख्याल रखना है जी। सत्संग में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटे बच्चे या पढ़ाई के लिए आशीर्वाद लेने बैठे बैठे समान ऊपर कर लो, सारी साथ संगत को अच्छे निकामों के लिए आशीर्वाद, समान नीचे कर लीजिए आशीर्वाद। तो जो भी साथ संगत पधारी है, बहुत बहुत स्वागत जी, आयन शामिल कहते हैं, मोस्ट वेलकम। थोड़ा समय सज रही है, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं रहने का, जिससे सेवादार भाई बताए रहना, सेवा करना, आराम करना है, बस थोड़ा समय इस प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। कल से शाम की मजलिस का समय 5 बजे का है जी, जो पहले 5:30 था, कल से शाम की मजलिस का समय 5 बजे का होगा जी।